बर्थ प्लेस और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले पे। ये जो किला है इसको बताते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का यहां पे जन्म हुआ था। 19 फरवरी 1630 को उनका जन्म इसी किले में हुआ था। 2 साल बाद यानी शिवाजी महाराज इस किले में 2 साल तक रहे थे। 1632 में उनकी माँ जीजाबाई इस किले को छोड़ के यहाँ से चली गई थी। 1637 में ये किला मुगलों के अधीन हो गया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को ये किला दिखाने वाले हैं जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। चलते हैं। ये जो है इसका मेन गेट है जिसको महादरवाजा बोलते हैं। यहाँ पे जो मेन गेट होते हैं ना महाराष्ट्र के किले में, जो मेन गेट होते हैं उनको महादरवाजा बोलते हैं। तो ये यहाँ पे महादरवाजा बना हुआ है। चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। शिवनेरी दुर्ग भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे के जुन्नर गाँव के पास स्थित एक ऐतिहासिक किला है। शिवनेरी छत्रपति शिवाजी का जन्म स्थान भी है। शिवाजी के पिता शाहजी बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की सेना में एक सेनापति थे। लगातार हो रही युद्ध के कारण शाहजी अपनी गर्भवती पत्नी जीजाबाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को शिवनेरी में भेज दिया था। शिवनेरी चारों ओर से खड़ी चट्टानों से घिरा एक अवैध गढ़ था। यह है इस किले का मेन गेट जिसको महादरवाजा बोलते हैं। ये लिखा हुआ है मुख्य द्वार। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप लोग इस गेट पे पहुंच जाएंगे। इस गेट की बनावट को देखिए एक बार। और किलों में आप लोगों ने देखा होगा ये जो कीले हैं इनको एक साथ में इस तरह से लगाया जाता है, लेकिन ये पूरे पे लगी हुई है। आइए अंदर चलते हैं। अंदर आते ही यहाँ पे सैनिकों के रहने के लिए, सैनिकों के लिए यहाँ पे बने हुए दोनों तरफ। पहले गेट को जैसे ही हम लोग पार करते हैं, थोड़ी सी दूरी चलने के बाद हमको यहाँ पे मिलता है दूसरा गेट जिसको गणेश दरवाजा बोलते हैं। इस गेट पे आप सामने देख पाएंगे तो इस साइड में तो कुछ चित्र बने हुए, बीच में हाथी के सर की आकृति बनी हुई है। सामने वो बोर्ज है जहाँ पे सैनिक खड़े होकर पहरा दिया करते हैं। दोस्तों इस किले के ऊपर टोटल 7 दरवाजे हैं, जिन दरवाजों को अलग अलग राजाओं ने अपने शासन काल में निर्माण करवाया था। यहाँ पे उस टाइम पे शायद बुर्ज रहे होंगे इस साइड में और उस साइड में भी। और यहाँ पे एक तीसरा गेट हमको देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं पिराचा दरवाजा। ये जो साइड में जो जगह है ये सैनिकों के लिए थी। इस किले का इतिहास 2000 साल पुराना है। सबसे पहले यहाँ पे यादवों ने अपना राज प्रस्थापित किया था और उसी समय शिवनेरी को किले का स्वरूप प्राप्त हुआ। अभी हम किले के जिस गेट पे पहुंचे हैं ये हाथी गेट है, और इसको जब यहाँ पे यादवों का शासन था तब इसको बनवाया गया था। यादव कालीन की यही एक निशानी इस किले के ऊपर है। और उसी प्रकार से इसमें भी कीलें लगाई गई हैं। अंदर आइए। 1443 में मलिक उल तुज्जा ने यादवों का पराभव करके किले को अपने अधीन ले लिया था। 1595 में यह किला मालोजी राव भोसले के पास आ गया। अभी हम जिस गेट के पास जा रहे हैं ये इस किले का सबसे आखिरी दरवाजा है जिसको कुलूप दरवाजा बोलते हैं। ऊपर से शेर की आकृति बनी हुई है ना, वो ऊपर दोनों तरफ। जो इमारत आप लोग देख रहे हैं छतग्रस्त जो इमारत पड़ी हुई है इसको अंबर खाना बोलते हैं। और पहले इस जगह का जो इस्तेमाल था वो खाद्य सामग्री रखने के लिए इसको किया जाता था, यानी स्टोर रूम था ये पहले का, जिसमें अभी पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पे उस टाइम पे ये जो देख रहे हैं ये रूम बने होंगे जिसमें स्टोर करके जो खाद्य सामग्री होती थी उसको रखा जाता था। और वहाँ पे कुछ हिस्सा इसका अभी बना हुआ है जिसके अंदर अभी हम चलेंगे, जो शायद अभी सही भी हो सकता है। लेकिन ये जो हैं ये पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ एक ये वाला उस टाइम पे रूम रहा होगा और यहाँ पे भी एक रूम रहा होगा। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी पहले छत भी होगी, क्योंकि ऊपर से वो जो दिख रही है आपको इमारत तो उसकी छत बनी हुई है। तो ये भी पहले छतनुमा एक इमारत होगी जिसकी छत अभी नीचे गिर चुकी है। चलिए आगे चलते हैं, उसके अंदर अंदर से दिखाते हैं उसको। ये तो एक पूरी बारादवारी की तरह लग रही है। बीच में देखो कितने मजबूत मजबूत पिलर बने हुए हैं। ये अंबर खाने का हिस्सा हो सकता है, ये मतलब ये भी स्टोर रूम ही होगा, क्योंकि वो कुछ हिस्सा इसका टूट चुका है और ये हिस्सा अभी भी यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से बना हुआ है। अब हम किले के अगले हिस्से में चलने वाले हैं। अभी हम इस किले के लास्ट पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। उस कमरे को आप लोगों को दिखाने वाले हैं जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। वो जो कमरा है वो आगे है, यानी किले के लास्ट पॉइंट पे वो कमरा हम लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरह की यहाँ पे एक रास्ता है।
यहाँ पे ये जो टैंक है इसको गंगा जमनी बोलते हैं, जिसमें उस टाइम पे पानी को स्टोर करके रखा जाता था जो पीने के काम में आता था, और अभी भी इसमें पानी भरा हुआ है। देखो एक ये है कुंड और दूसरा कुंड इसके अंदर यहाँ पे बना हुआ है। ये भी पानी का टैंक है जिसमें बिल्कुल साफ पानी है और काफी गहरा भी है। ये देखो आज भी किले के अंदर इसी पानी को यूज करते हैं पीने के लिए। चलिए इसमें यहाँ पे अभी जाली लगा दी गई है। यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी माँ के साथ में है। ये जो आप लोग यहाँ देखेंगे एक प्रतिमा लगाई गई है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जब छोटे थे तो अपनी माँ के साथ में यहाँ पे खेल रहे हैं। उनकी माँ की प्रतिमा बनाई गई है और छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा उनका एक राज दरबार लगा हुआ है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ऊपर सिंहासन पे बैठे हुए, नीचे उनके मंत्रीगढ़ हैं और एक सभा यहाँ पे दर्शाई गई। फाइनली अभी हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ये किला कुछ समय के लिए मतलब मुगलों के अधीन भी रहा था, तो उस टाइम पे इस मस्जिद को बनाया गया था। ये जो पहले ना रहने के लिए यहाँ पे कच्छ बने होंगे जो अभी पूरी तरह से टूट चुके हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ कमरे बने होंगे पहले। इस साइड में एक छोटा सा कमरा बचा हुआ है। इस कमरे के बारे में कोई साक्ष्य तो है नहीं। यहाँ पे एक ये कुंड बना हुआ है जिसको अंदाजा लगाते हुए लग रहा है, हाँ देखो ये ऐसा ही कुछ रहा है, क्योंकि इसके अंदर आप देखो ये जो पाइप है ना, इस पाइप के आकार को देखिए, ये पानी के लिए है यहाँ पे, तो इसमें उस समय में पानी भरा रहता होगा। वहां पे भी आप देखिए तो ये भी यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है जो अंदर के लिए जाता है, इससे पानी आता होगा इसके अंदर। और ये जो नीचे की तरफ आपको होल दिख रहा है, ये नीचे पानी निकलने के लिए होल बना होगा। और यहाँ पे देखो ये वाला जो पाइप दिख रहा है ना, ये भी पानी आने के लिए होगा। तो ये उस समय का वॉशरूम है, बोले तो स्नान का, और ये उस समय के फव्वारे रहे होंगे, ये इसमें ऊपर से पानी आता होगा नहाने के लिए। सामने यहाँ पे कुछ कच्छ थे जो अभी टूट चुके हैं, पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं। ये देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी नीम रह गई है इन खंडरों की। बाद बाकी जो रूम वगैरह थे वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। एक यहाँ पे कमरा है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, वो वही कमरा है जो अभी यहाँ पे बना हुआ है। ये इतना बड़ा एक कच्छ रहा होगा और यहाँ पे भी ये इस प्रकार के कच्छ रहे होंगे जिनकी अभी नीम आप लोगों को देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। और ये यहाँ पे एक फव्वारा था, ये उस टाइम का फव्वारा था जिसमें इधर ये जो होल आप लोग देख रहे हैं ये पानी के लिए थे। यहाँ पे एक फाउंटेन बना हुआ था। चलिए अभी आगे की तरफ चलते हैं, वो कमरा आप लोगों को दिखाते हैं जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म स्थान वर्थ प्लेस और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, ये है वो कमरा। यहाँ पे ये कमरा बना हुआ है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। अंदर चलते हैं, अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं इस कमरे को। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इन सीढ़ियों से अंदर चलेंगे। यहाँ पे भी उस टाइम पे एक महल रहा होगा रहने के लिए, क्योंकि ये पूरा एक महल होगा ना, महल परिसर होगा, ये आंगन होगा, और यहाँ पे उस टाइम पे कुछ कमरे रहे होंगे। ये है वो कमरा जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ये वही कमरा है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उनकी एक प्रतिमा बनी हुई है, यहाँ पे एक पालना डाला हुआ है। इसी कमरे के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो दोस्तों यही है वो कमरा जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। हालांकि यहाँ पे अभी टूर वाले बच्चे आए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। अंदर जो मेन मतलब जो दरवाजा है वो बंद किया गया है ताला लगा के, जिससे अंदर कोई ना जा पाए, क्योंकि लोग यहाँ पे चप्पल अप्पल पहन के चले जाते हैं। तो छत्रपति शिवाजी को महाराज को लोग यहाँ पे देवता की तरह पूछते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं। तो यही है वो कमरा जिसके अंदर उनका जन्म हुआ था। अभी इसको हम आप लोगों को दिखा चुके हैं,
पानी का एक टैंक यहाँ पे बना हुआ है। ये किले का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है और ये जो टैंक है इसको बादामी टैंक बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है बादामी टैंक। और इसका जो पानी है उसका जो कलर है वो अभी मिट्टी की वजह से आप लोगों को बादामी बादामी ही दिख रहा होगा। ये किले का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है और इसको बताते हैं पनिशमेंट पॉइंट बोलते हैं। अगर आप लोग रायगढ़ फोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को एक पनिशमेंट पॉइंट मिलेगा। रायगढ़ वो है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेकंड राजधानी बनाई थी और वहीं पे अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया था। तो सामने जो देख रहे हैं ना बुर्ज, उस बुर्ज से वहीं से अगर कोई मतलब यहाँ पे जुर्म करता था तो उसकी सजा के लिए उसको यहीं से नीचे फेंक दिया जाता था खाई के अंदर। ये जो है पनिशमेंट पेशवाओं के समय में दी गई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। पेशवाओं के समय में इस पनिशमेंट को मतलब शुरू किया गया था। ये है वो पनिशमेंट पॉइंट जहाँ पे एक बुर्ज बना हुआ है। ये इस किले का लास्ट पॉइंट था जिसको पनिशमेंट पॉइंट बोलते हैं, यानी कोई भी अगर कोई जुर्म करता था तो उसको सजा के रूप में यहाँ से उठा के नीचे खाई में फेंक दिया जाता था। इस तरह की सजा थी और ये जो सजा थी बताते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसी कोई सजा नहीं दी थी। ये पेशवाओं के समय में इस सजा का प्रचलन शुरू हुआ था। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये जो फोर्ट है इसको घुमा चुका हूँ। ये इस किले का लास्ट पॉइंट है और अभी हमको यहाँ से निकलना है मुंबई के लिए, क्योंकि मुंबई जाने वाली यहाँ से लास्ट जो बस है वो 4 बजे है और लगभग यहाँ से 3 बज चुके हैं। 1 घंटा हमको नीचे उतरने में लग जाएगा। जैसे भी होगा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट उतरेंगे, 1 घंटे से पहले ही हमको बस स्टैंड पहुँचना है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।